हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डिजी लाइफस्टाइल में। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ा सा दुखी है। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी होने का कारण यही है, मेरी जो लास्ट वीडियो था मैं आप लोग को दिखाई थी, मेरी जो दादू थे उनका तबीयत ख़राब था, वो अभी हम सबको छोड़ के चले गए, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। उसी कारण मैं पिछले 7-8 दिन से मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कोई भी वीडियो पोस्ट करने को, कुछ भी करने को। आज क्रिसमस है तो क्रिसमस को लेकर सायरा बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। खास उसी के लिए आज का ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। और हम लोग कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, खाली उसको जो गिफ्ट दे रहे हैं और आज का खाना कुछ थोड़ा सा स्पेशल बना रहे हैं, तो सोचा आप लोग के साथ वो शेयर कर लूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट सांता क्लॉज ने दिया। इसके साथ ही पूरा मतलब ये खोलो, उसको क्या है उसमें देखते हैं। को बाद में खोलेंगे, आज पूछने के बाद। नहीं अभी खोलो, खोलो देखते हैं क्या है उसमें। और नहीं खुश हो? खुश हो? खुश हो? किसको बोल रही थैंक यू? मुझे क्या बोल रही? आप सबका थैंक यू, और सांता आपको भी बहुत बहुत थैंक यू मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए। क्रिसमस स्पेशल में हम लोग बना रहे हैं सैंडविच, जो कि सायरा की डिमांड में है और हेल्दी भी है। तो सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 मीडियम साइज के आलू, जिसको हमने बॉईल करके रख लिया है, आधा गाजर, 1 टमाटो, 1 कैप्सिकम, और साइड में हमने लिया है मेयोनीज और सेजवान चटनी और चिल्ली सॉस और टमाटो केचप। अभी हम आलू को नैश कर रहे हैं। अब इस स्वाद अनुसार हम डाल रहे हैं नमक। नमक डालने के बाद आलू के साथ नमक को अच्छे से मिला देंगे। अभी हम डाल रहे हैं चिली सॉस। अभी हम डाल रहे हैं टमाटो केचप। अभी डाल रहे हैं मेयोनीज, जो कि एगलेस है। सबको अभी अच्छे से मिला देंगे। अभी मिलाने के बाद हमने साइड में लिया है ग्रीन चटनी, जो कि बनाना सबको आता है, तो इसलिए हमने वो नहीं दिखाया है। ये धनिया का चटनी है। अभी हम डाल रहे हैं टमाटो, गाजर और कैप्सिकम को जो छोटा छोटा पीस करके काटे थे, उसको अभी मिला रहे हैं।
अभी हम डाल रहे हैं सजवाइन का चटनी। अभी हमारा जो स्टफिंग है वो बनके रेडी हो गया। अभी हम ब्रेड को सेक लेंगे। ब्रेड सेकने के टाइम आप बटर भी यूज कर सकते हैं, तेल भी यूज कर सकते हैं। हम अभी चूल्हा में तवा बिठा दिए हैं और तवा जैसे ही गर्म हो गया हम तेल लगा रहे हैं। हम बटर नहीं लगा रहे, हम तेल लगा रहे हैं। तो जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो गया उसमें अभी हम ब्रेड को सेक रहे हैं और ब्रेड में स्टफिंग भर के हम दोनों साइड में हल्का लाइट ब्राउन कलर होने तक उसको दबा दबा के सेकना है। देखिए एक साइड हो गया तो उसको हमने पलट दिया। अभी दूसरा साइड हल्का लाइट ब्राउन कलर होने तक सेकना है। एक के बाद एक ऐसे ही हम ब्रेड को सेक लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो सैंडविच है वो बन के रेडी हो चुका है। ये दिखने में जितना ही सुंदर लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो आप लोग भी बनाइए, कैसा लगा मुझे कमेंट करना। तो चलिए नेक्स्ट आइटम में। तो नेक्स्ट आइटम जो है वो है चिली गोभी। तो चिली गोभी के लिए पहले गोभी को हमने छोटा छोटा पीस में काट लिए थे, उसको अभी हल्का गुनगुना गर्म पानी में डाल दिए हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाले हैं। चलिए अभी चलते हैं दूसरा स्टेप में। तो दूसरा स्टेप में हमने यहाँ पे एक बर्तन में लिया है मैदा, कॉर्नफ्लोर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा कप पानी देके उसको अभी मिला लेंगे। एक स्मूथ सा बैटर जैसा बना देंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर हम लोग 60-40 के हिसाब से लिया है। मैदा अगर 60% लिया है तो कॉर्नफ्लोर को 40% में लिए हैं। एक स्मूथ सा बैटर बन गया। अभी हम उसमें डालेंगे गोभी। गोभी को हल्का हल्का करके डालना है क्योंकि गोभी को पहले हमने गर्म पानी में डाले थे तो वो टूटने का चांसेस रहता है। तो हम हल्का हल्का करके मिला लेंगे उसको। आधा आधा करके मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना है, नहीं तो वो टूट जाएगा। चलिए अभी हम चलते हैं तीसरा स्टेप में। तो तीसरा स्टेप में हमको मसाला बनाना है, मतलब पेस्ट नहीं बनाना है, हमको छोटा छोटा बारीक काटना है। अगर हम काटने के लिए बैठ जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे चॉपर का यूज किए हैं जो कि जल्दी भी हो जाएगा और छोटा छोटा महीन महीन बारीक कटा भी हो जाएगा क्योंकि चाइनीज़ फूड में पेस्ट का यूज़ नहीं होता है। ऐसे महीन महीन कटा हुआ जिंजर गार्लिक यूज होता है। तो वो तो हो चुका है। अभी हम कढ़ाई में तेल गरम कर रहे हैं। हम जो गोभी को मैरिनेट करके रखे थे उसको अभी छान लेंगे। हम उसको एक एक करके डालना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है, नहीं तो वो तेल ज़्यादा सोख करता है। अगर हम कम कम करके डालेंगे ये ज़्यादा तेल सोख नहीं करता है। देखिए उसका कलर भी चेंज हो चुका है, तो हम तेल से निकाल देंगे। ऐसे ही करके सारा गोभी को हमको छान लेना है। देखिए सारा गोभी यहाँ पे हमने छान लिया है और कढ़ाई से तेल निकाल दिए और थोड़ा सा तेल रख के बाकी सारा तेल निकाल लिए। ये जो जिंजर गार्लिक को छोटा छोटा करके काटे थे अभी वो तेल में डाल रहे हैं। इसको ज़्यादा नहीं जलाना है क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो मुंह में आना चाहिए। अभी हम डाल रहे हैं हरी मिर्च। अभी डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा डाल रहे हैं, बाकी हम गार्निशिंग के लिए रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे किसी का भी कलर ब्राउन कलर नहीं हुआ है, मतलब नहीं जला है, हमको ऐसे ही रखना है। अभी हम डाल रहे हैं अनियन।
हमने गोभी में नमक डाले थे तो उसी हिसाब से इसमें भी नमक डाल रहे हैं। अब ये सबको मिला लेना है। अभी डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। कैप्सिकम डालने के बाद उसका जो खुशबू होता है मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा लेकिन मुझे बहुत पसंद है। देखिए जैसे थोड़ा थोड़ा पक गया हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और अभी डाल रहे हैं सोया सॉस। अभी हम डाल रहे हैं चिंग चाइनीज का जो सेजवान का चटनी है वो डाल रहे हैं। आज जो चिली गोभी है वो पूरा होटल स्टाइल में बन रहा है, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। देखिए हमने अभी उसमें डाल दिया पानी। गोभी छानने के बाद जो उसका बैटर था उसको नहीं फेंकना है क्योंकि उसको हम बाद में यूज करेंगे। देखिए हम अभी बाद में यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको बाद में कॉर्नफ्लोर को मिला के नहीं डालना है, जो बैटर था हमने उसी को ही यूज कर लिया। उसका कलर और देखिए कितना कितना सुंदर लग रहा है। और हमारा जो चिली गोभी है अभी वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना टेस्टी बना होगा। आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए, कैसा लगा मुझे बोलना। लास्ट में हम डाल रहे हैं स्प्रिंग ऑनियन। रोटी में खाइए या नान में खाइए या पराठे में खाइए, जिसमें भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।